Bismillahir Rahmanir Rahim. Today our topic is the difference between mass and weight. आज हमारा जो टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लास 9th का टॉपिक है कि मास और वजन में क्या फ़र्क है. उर्दू में हम कहते हैं मास और वजन में क्या फ़र्क, इंग्लिश में है कि डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट. तो मैं उर्दू और इंग्लिश दोनों जो है वो साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊँगा ताकि जो है वो आपके लिए किसी किस्म का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. तो सबसे पहले हमारे पास है मैस की डेफिनेशन. मैस क्या होता है? द टोटल अमाउंट ऑफ मैटर दैट एनी सब्सटांस दैट एनी थिंग कंटेन इज कॉल्ड मैस. हमारे पास मैस की डेफिनेशन क्या है कि किसी भी जिस्म के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मादे की कुल मकदार को हम क्या कहते हैं, उसका मास कहते हैं. उसके अलावा हमारे पास जो वेट की डेफिनेशन आएगी, वेट हमारे पास होगा कि द फोर्स बाय विच द अर्थ पुल एनी थिंग्स टूवर्ड इट्सेल्फ इज कॉल्ड वेट. मतलब वो फोर्स जिससे ज़मीन किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है उसे हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं. ये हमारे पास पहला डिफरेंस आ गया दोनों के दरमियान. दूसरा डिफरेंस हमारे पास आता है कि मैस हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है और वेट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है. ये दो डिफरेंस हो गए. तीसरा हमारे पास डिफरेंस आ जाता है कि मैस का यूनिट हमारे पास किलोग्राम आता है, वेट का यूनिट हमारे पास न्यूटन आता है और वेट किसकी इक्वल होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी. उसके बाद हमारे पास चौथा डिफरेंस इनके दरमियान आ जाता है, वो ये है कि मैस जो है वो चेंज नहीं होता, वो हर जगह पे जो है वो कांस्टेंट रहता है, जबकि जो हमारे पास वेट होता है वो जैसे जैसे जी की वैल्यू को हम चेंज करते हैं वेट की वैल्यू हमारे पास क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है. लास्ट डिफरेंस उसके दरमियान ये है कि मैस को जो है वो हम किसी भी तराजू के ज़रिए से, किसी भी बीम बैलेंस के ज़रिए से जो है इसको हम फाइंड कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जबकि जो हमारे पास वेट होगा इसको मालूम करने के लिए हमें जो है वो स्प्रिंग बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी. थैंक यू.